एक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो उन्होंने कर दिया, वो तो उन्होंने कर दिया कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर और उनके भाजपा के और जो नेता हैं उन पे जो भी केस है उन सबको केस को वापस ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वापस ले रहे हैं तो हम भी इस मांग को उठाएंगे। इसी मंच से मैं आपके इस मंच से ही इस बात की शुरुआत करता हूँ कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, जिन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, फिर उन्हें भी वापस लिया जाए। जैसे बहुत सी ऐसी जगह पे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं उनकी प्रतिमा तोड़ दी गई और फिर उन्हीं लोगों पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हीं पर जो मुकदमे हुए। जैसे कई जगह ऐसे हुआ, जैसे आप जेवर में दयानतपुर में देखें 21 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, 2016 की ये घटना है, और फिर उसका मर्डर हुआ। उस चक्कर में जब लोग उसकी उसको लाश को लेके अर्थी को लेकर चले, गुस्से में लोग थे, उस समय होता है इस तरह का मोशन, और उन पर जो है सड़क रोकने का मुकदमा बना दिया गया, गुंडा एक्ट उन पर लगा दिया गया, 250 लोगों पर FIR की गई। तो इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सब कुछ करी जा रही हैं सारी की सारी चीज़ें, तो हम भी ये कहेंगे कि भैया जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको आप ज़बरदस्ती आतंकवादी बताते हो, बेगुनाह लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन सबको आप रिहा करो, उन सबके खिलाफ भी जो केस है उन्हें वापस लो। आप नहीं लोगे तो इसके विषय में हम आंदोलन करेंगे। तो ये बात आपकी सही है, ये तो चाह ही रहे हैं कि भाई सत्ता में हैं कि जैसा हो सकता है जितना बढ़िया से बढ़िया अपने पक्ष में कर सकते हैं जितना सब कुछ वो कर रहे हैं।